टू। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आपको आज का व्यू दिखाऊंगा जो बहुत ही शानदार व्यू हुआ है कनातल में। और ये देखिए सामने व्यू देखिए यार, बहुत ही शानदार व्यू है। वो बादल नीचे तक आए हैं ऊपर, ये देखिए सारे, और हल्की हल्की स्नो हो रही है, स्नोफॉल, लेकिन बहुत ही मामूली है। और पीछे हिमालय के पूरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है अभी। और ये हमारी बालकनी से व्यू है। ये 6 बजे उठ गए थे सुबह, अभी चाय पिए और अभी नहा धो के तैयार होंगे, फिर देखते हैं कहीं का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी बस नाश्ता रेडी हो रहा है, नाश्ता करेंगे। तो हमारा गाइस ब्रेकफास्ट आ गया है, सुबह सुबह हम कर रहे हैं, खा रहे हैं पोहा, ये है पोहा और साथ में टोस्ट बने हैं। तो पोहा, टोस्ट और चाय, ये हम आज अभी नाश्ता करेंगे। ये भी टोस्ट भी आ गया है, बढ़िया टोस्ट बनाया है भाई ने, ब्राउन ब्रेड का टोस्ट बनाया है भाई ने। तो अभी करते हैं नाश्ता और फिर आगे क्या प्रोग्राम होता है। मैं नहा धो के तैयार होके फिर कहीं निकलेंगे ना घूमने, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाएंगे इसके बाद। 12 बज चुके हैं और वी आर रेडी, और अब हम जा रहे हैं आगे। एक छोटा सा ट्रैक है, माता का मंदिर है, वहाँ जाएंगे, और कोई अच्छी जगह देखने की होगी तो वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। तो वी आर खड़ा रहना, तो हम सब रेडी हैं और अभी फोटोग्राफी सेशन चल रहा है हमारा। ये देखो सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, और भाई हमारे, और हमारा वाहन आ चुका है, गरुड़ वाहन, और हम जाएंगे अभी इसमें बैठ के। ये तो कब्जा हो चुका है, ये यहाँ सीट पे कब्जा हो चुका है। आजा बीच में, मुझे फिर बीच में, बीच में आजा तू, सीट डाल लेते दोबारा। नहीं मैंने, मुझे फिर बीच में डाल दिया गया यहाँ पे। ए तेरी तो forever the one you call, let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. तो गाइस ये है सिद्धपीठ माता सुरकंडा मंदिर का रास्ता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बताया है, और आगे काफी आइस गिरी हुई है और काफी फिसलन भी बता रहे हैं। कह रहा कई लोग यहीं से गए पर वापस आते हो, ऊपर से चलते हैं, ऊपर भी रास्ता, बैठ बैठ के चलो, बैठ बैठ के पकड़ पकड़े खड़े होके नहीं, बैठ के चलो वहां तक, बैठ के जाओ पौंद के कोने में, वो ना घुस भाई साहब, बैठ के जाओ, पैर जमा के चलो भाई। अरे ऐसे ऐसे करके चलो, अरे नहीं फिसला रहा। तो भाई लोग ये देख लो, ट्रैक देख लो, पूरा बर्फ है और वापसी इसी से आना है, पूरी आज वाइट लगने वाली है। अभी जाना है 1.5 किलोमीटर बता रहे थे, पता नहीं, अब देखो कितनी डिस्टेंस पे है मंदिर। यहाँ तो वैसे ही चलने में दिक्कत है, और बर्फ के साथ तो और भी कठिन हो गया, बहुत मुश्किल है यार, पूरे लूज पत्थर है यहाँ पे। अब चश्मा गिरा दिया, देख ले। अबे भाई कसम, मेरा हुआ साले, अब मेरा हुआ, सब कुछ गिराता जा रहा है, फोन पर्स में गिरता है, नंगे हो जाएंगे। और ये देख लीजिए, ये ट्रैक है आगे आगे, अब आगे समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे निकलेगा, ये सीधा जा रहा है ऐसे, पड़ी मोटी लकड़ी परली तरफ, पड़ी लकड़ी तो वैसे ही ले रहे हैं, मोड़ मोटी। मंदिर नीचे ऊपर है, नीचे नीचे, चलो चलो भाई, जय माता दी करते जाओ, पौड़ी पौड़ी उतरते जाओ। बड़ा टफ रास्ता है भाई साहब, इस टाइम बर्फ के कारण समझ नहीं आ रहा, स्लिप हो रहे हैं पैर अब, और वापसी भी इसी रास्ते से आना है। ये वाटरफॉल है कोई यहाँ पे, है ना ऊपर, और सूर्य देवता भी दिख रहे हैं लेकिन बादलों के पीछे, और ये पानी नीचे तक जा रहा होगा। छोटा सा वाटरफॉल है ये सामने, रविंद्र ही दिखाओ एक बार, वाटरफॉल दिखाओ, और ऊपर से पानी आ रहा है, हाँ, और यहाँ हम बर्फ खा रहे हैं। वही निकल यहाँ से, चला
चलो 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 आओ भैया, वापसी में क्या बनाएंगे वीडियो, आ जा निकलते हैं पहले। और आज हम फर्स्ट लोग हैं जो इस रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ पे जो पैरों के निशान नहीं है, हमारे ही हैं फर्स्ट। यहाँ पे एक घंटे से ऊपर हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन हमें मंदिर नहीं मिल रहा है, पता नहीं हम भटक गए हैं। हम सिर्फ 4-5 लोग ही हैं और मंदिर कहीं नज़र नहीं आ रहा, और पूरे बर्फ़ में हम चल के आए हैं, कितनी खतरनाक बर्फ़ थी बीच में, जंगलों में आवाज़ आ रही है जानवरों, और सब अब डर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं वापस चलो, वापस चलो, हम घूम गए हैं, तो चलते हैं वापसी। यहाँ से कुछ दिख तो रहा नहीं है, जहाँ जहाँ से जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जा रहे हैं। यहीं से हम माता जी को प्रणाम कर देते हैं, हमारी प्रार्थना कबूल करें, ये वापसी का ट्रैक है हमारा। तो अब सीधा मिलते हैं आपको ऊपर, अगर हमें रास्ते में नहीं मिला कुछ तो। तो गाइस देखो, स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, लेकिन हल्की है बहुत अभी, और हम अभी ऊपर को ही जा रहे हैं, और ये चारों तरफ का व्यू है देखो, बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर, ऊपर जाना भी हमने, और अभी स्नोफॉल हो रही है। चलो ट्रैक हो गया, मंदिर नहीं मिला कोई नहीं, लेकिन एक ट्रैक हो गया हमारा काफ़ी, 3-4 किलोमीटर का, पूरे नीचे गए हैं और पूरा ऊपर जा रहे हैं अब। तो वैसे ये घर देख रहे हैं आप, हम वो रास्ते वहाँ तक पहुँच गए थे उधर, और मंदिर हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कौन से रॉन्ग रूट पे चले गए क्या, और वहाँ से हम होके आए हैं, और अब हल्की हल्की स्नो गिरने लगी है, बहुत ही हल्की है। अभी हम वापसी ऊपर जा रहे हैं, हम पूरी तरह से रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन हम सेम रूट पे आ गए हैं जहाँ से हम गए थे, और पूरी रास्ते में अब चढ़ाई है ऊपर तक। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं वापसी, जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करा था, ये देखिए सामने सुरकंडा, जय माता दी की। हमने अपना ट्रैक पूरा किया, हमने फतेह करी है, सुरकंडा माता की जय। अभी प्रोग्राम ये है कि अभी जा रहे हैं दनोल्टी, पास में ही है 10-15 किलोमीटर, और वहाँ जाके हम करेंगे अपना लंच। तो ये देख लीजिए हमारे फ्रेंड से। कलाकारों को देखिए, बर्फ के स्नोमैन बना रहे हैं। अब यहां सामने ये देख लीजिए, शक्ल दिखा सकते हो इनकी, शक्ल दिखाइए। ओए होए होए स्नोमैन, शक्ल दिखाओ, ये देख लो जी वाला। ओए होए देखो, स्नोमैन बना दिया भाइयों ने, मेरी तरह टोपी है इसकी। ओए होए होए, छोटा रोहित आ गया, बहुत ही तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। ये देखो हमारी गाड़ियाँ, देखो गाड़ियाँ, देखो गाड़ियों में दिखाता हूँ कितनी बर्फ जम गई है। ये हमारी टियागो, पूरी बर्फ ही बर्फ, ये देख लो बर्फ बर्फ देख लो भाई साहब, पूरी बर्फ ही बर्फ जम गई है। ये मस्ती हो रही है। तो गाइस जहाँ से हम ट्रैक कर रहे थे सुरकंडा देवी मंदिर, और ये यहाँ से भी जा सकते हैं यहाँ से ऊपर, और ये रोपवे मार्च से शुरू हो जाएगी, मार्च अप्रैल से ये रोपवे भी शुरू हो जाएगी, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ऊपर ट्रैक है, और हम वहाँ से नीचे से आए थे, तो वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का, तो यहाँ काफ़ी नज़दीक है, तेरी तरफ से, और बहुत ही तेज स्नोफॉल हो रही है चारों तरफ देखो। हो हो हो, स्नो 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 भाई देख, ओए फुल मस्ती, ओ हो, बहुत ही शानदार स्नोफॉल हो रही है। तो अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, अभी दनोल्टी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल में कह रहे हैं वहाँ जाम मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और जाम में फंस सकते हैं, तो अभी वापसी अपने होटल जा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए ऊपर अभी भी स्नोफॉल हो रही है, हम 3 बजे आए थे अपने रूम में, और लगभग 3:30 बजे हमने अपना लंच फिनिश कर लिया था, आज मटर आलू बने थे बहुत ही शानदार, दाल रोटी चपाती सब कुछ, और ये देखिए अभी भी स्नोफॉल हो रही है, और पूरा सामने वाइट वाइट ढक गया है, पूरी वाइट चादर ढक गई है, और ये देखिए अभी भी हमारे बालकनी देखिए, ये पूरी आइस, ये देखो आइस, पूरी पूरी आइस, पूरा आइस हो गया हमारा। नीचे से दिखाता हूँ आपको,
तो गाइस ये देखिए हमारी गाड़ी पूरी स्नो में ढक गई है और चारों तरफ स्नो ही स्नो है। ये गमलों में देख लो, ये देख लो पूरा स्नो चारों तरफ। ये बड़ी खतरनाक स्नो पड़ रही है, ये देखो पूरा वाइट, ये देख लो पूरी वाइट वाइट हो गया चारों तरफ। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी बस डिनर करना है हमने और बस सो जाना है, इससे ज़्यादा तो हमारा कुछ हो गया। मुझे लग रहा है रात भर स्नोफॉल होनी है और रास्ते जाम होने के चांसेस है। अगर कल भी कंटिन्यू स्नोफॉल हुई तो फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं कल तक, होप फॉर द बेस्ट। हेलो गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज चुके हैं। कल पूरे दिन स्नोफॉल हुई और रात भर स्नोफॉल होती रही और व्यू दिखा देता हूँ फिर कैसा व्यू है। ये देखिए सामने देखिए, दिल थाम के देखिए, ये देखिए यार पूरी बर्फ़ से ढक गया है पूरा एरिया। ये देखिए हमारी हमारा देख लो, ये देख लो, ओहो ये देख लो बर्फ़ देख लो भाई साहब, बर्फ़ देख लो। अभी भी पूरे बादल हैं चारों तरफ और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी स्नो ख़त्म हो जाएगी। ये देख लो जी कनातल का व्यू, कनातल की बर्फ़बारी और हमारा होटल, ये पूरा अंदर तक बर्फबारी हुई पड़ी है। तो आज का प्रोग्राम हमारा ऐसा है कि अभी हमने निकलना है और रास्ते पूरे बंद पड़े हैं, अब पता नहीं कैसे जाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। जब तक बुलडोजर आ गए बर्फ़ साफ़ नहीं करेगा तब तक तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा। और रात से बिजली नहीं है, ना नेटवर्क है, ना इंटरनेट है, सब कुछ कुछ नहीं है, सब लाइफ से कट गए हम। एक बार फिर व्यू देख लीजिए, स्नोफॉल फिर शुरू हो गया, ये देखो चारों तरफ स्नोफॉल शुरू हो गई है और हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है। ये मेरे मैंने बैग टांग रखा है और सब भाई लोग नीचे जा चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं वापसी। ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं लेकिन अभी हम जा रहे हैं चंबा की तरफ, चंबा से फिर आगे निकलेंगे या तो देहरादून या फिर सीधा घर। अब देखते हैं क्या इनका प्लान्स है। कल से पूरा बर्फ़ के अंदर फंसे पड़े हम और बहुत ही अच्छा होटल है, खाना पीना भी बहुत बढ़िया था यार इनका। तो भाई लोग ये देख लो हमारी गाड़ी का हाल और ये रोड का हाल देख लो, और ये चारों तरफ देखो व्यू देख लो, ओहो हो हो। और कमल मुकेश बाबू रेडी, और ये देख लो गमले में, गमले को पानी की आवश्यकता। चलो भाई जी बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस देखिए स्नोफॉल अभी भी चल रही है, कल से सुबह से चल रही है और यहाँ का व्यू देख लो ऐसी तैसी हो गई है। निकल चुके हैं, चेकआउट कर लिया है और हम दूसरे रूट से जा रहे हैं, तो नीचे वाले गांव से जा रहे हैं क्योंकि ऊपर का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था ड्यू टू स्नो हैवी स्नोफॉल। तो ये कच्चा रास्ता है, ये देख लो ये 15 किलोमीटर का एक्स्ट्रा हमें रास्ता पड़ेगा। तो आपके चंबा पहुँच के फिर देखते हैं क्या करना है, दिल्ली जाना है या मंसूरी। मंसूरी जाएंगे, हाँ दूर आए तो होके जाएंगे मंसूरी, हाथ लगाना नहीं। क्या कोई नहीं रखता यार। ये
भाई लोग 3:45 बज चुके हैं और हम पहुंचे हैं चंबा। 11 बजे चले थे और लगभग 4 घंटे में हम चंबा पहुंचे हैं और आधे घंटे का रास्ता हमने 4 घंटे में आज कवर करा है, क्योंकि मेन रास्ते में पता नहीं बर्फ़ काफ़ी जमी हुई थी, बंद पड़ा था। तो वहाँ के होटल में बता दिए कि नीचे से चले जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के समझ नहीं आए, पागल हो गया हम तो आज। तो हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है पेट्रोल पंप पे, वहाँ पेट्रोल डलवा लिया है और ये मसाला ट्विस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे अभी खाना खा के ही निकलेंगे। अब एक ब्रेक लिया है हमने काफ़ी देर बाद। तो गाइस हमारा लंच ख़त्म हो चुका है होटल मसाला ट्विस्ट से और अब सीधा हम जाएंगे नॉन स्टॉप दिल्ली को। और जो गूगल भाई बता रहा है कि 7.5 आवर लगने वाले हैं, तो रात को लगभग 11:30 तक हम पहुंचेंगे अपने घरों को। 6:20 हो चुके हैं और हम चंबा से लगभग 3:30 चले थे, तो हम 6 घंटे में अपने घर पहुंच गए हैं। बहुत ही बढ़िया राइड रही है और बहुत ही बढ़िया हमारा सफ़र रहा, 2 दिन का टूर बहुत ही शानदार रहा। इतना बढ़िया हमने जो स्नोफॉल देखी है, कल तो कंटिन्यू 24 आवर से स्नोफॉल हो रही थी और अभी हो ही रही थी, इसलिए हम भागे वहाँ से। तो ये सारे हमारे भाई लोग हैं, बहुत ही मज़ा आया आप सभी के साथ यार, बहुत ही गजब मज़ा आया आपके साथ भी, बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करा, मज़ा आया, आपका पूरा एक्सपीरियंस काम आया, बहुत बढ़िया लगा। आप साथ रहिएगा और जो हमारे साथ नहीं आए उनको और जलना है। तो थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। ये मत डालना मेरे। तो अब मैं सीधा घर जा रहा हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसे लगे प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।